साथियों, आज ही के दिन भारत में अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे 42 का विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो आंदोलन, 42 का ज्वालामुखी, नरकट्टी तरकट्टी आंदोलन, इंडिया इन रिवोल्ट, कई नामों से इस क्रांति को नवाजा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से 1857 की क्रांति आंदोलन भी था, विप्लव भी था, नागरिक विद्रोह भी था, राजे रजवाड़ों का षड्यंत्र भी था, आंदोलन भी था, उसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कड़ी में 1942 की क्रांति विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक तरफ जहां आंदोलन का स्वभाव व्यापक होता है, उनमें नेतृत्व चिन्हित रहता है और कार्यक्रम पहले से निर्धारित रहता है और उसका फैलाव भी ज्यादा रहता है, लेकिन क्रांति स्वस्फूर्त होता है, उसमें नेतृत्व अपने आप उभर जाता है और क्रांति के अस्थाई एजेंडे नहीं रहते हैं। फिर क्रांति का जो तरीका है, जो प्रतिरोध के टूल्स हैं, वो भी अलग रहता है। हम कह सकते हैं कि उनमें तीव्रता रहती है, इंटेंसिटी रहता है और वह बहुत कम दिनों का होता है और वह उसका फैलाव कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या कारण है कि 1857 का विद्रोह क्रांति भी था और आंदोलन भी था, विप्लव भी था? क्या कारण है कि 1942 की क्रांति आंदोलन भी था, विप्लव भी था, करो या मरो का था? पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड को देखते हैं तो 1857 की क्रांति जो राष्ट्रीयता का प्रथम पैदान था और फिर राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवादी, 1942 की क्रांति में पुनः अपने प्रवृत्ति को लेकर उभरे। इस कालखंड में 1857 से लेकर 1942 के बीच जितने भी प्रतिरोध हुए, आंदोलन हुए, सत्याग्रह हुए, वे सभी के सभी एक तरह से अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित था। इसमें कहीं भी क्रांति नहीं थी, सभी जगह आंदोलन थे। जैसे आप देखते हैं कि उदारवादियों का आंदोलन था, बंग भंग आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, सविनयवज्ञा आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था, लेकिन कहीं भी हम इसमें क्रांति का नामो निशान नहीं देखते हैं। क्या कारण है कि 1942 की क्रांति साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो हुआ वह आंदोलन भी था और विद्रोह भी था? तो यह कहा जा सकता है कि गांधी के
राष्ट्रवादी उन्मुखीकरण के कारण और फिर 1920 के बाद जो श्रमिकों का आंदोलन हुआ, मजदूरों का जो आंदोलन हुआ, जो किसानों का आंदोलन हुआ, इन सबों के अलग अलग बोल थे लेकिन मकसद एक ही था। लेकिन फिर भी यह क्रांति नहीं कहलाया। हां, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी उभरे, जैसे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, बिस्मिल, कई नाम हैं। लेकिन ये सभी प्रतिरोध तरीक, सभी आंदोलन थे, क्रांति नहीं थे। 1942 की क्रांति हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का परिपक्व रूप था, इसलिए वह क्रांति कहलाया। क्रांति इस अर्थ में कि इसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था और न इसकी कोई समय सीमा थी और न कि कोई इसका कार्यक्रम था। हर व्यक्ति अपने आप को नेता समझ रहा था और गांधी पर्दे के पीछे चले गए थे, सभी नेता जेल में चले गए थे। आप देखते हैं कि 1942 की क्रांति का अंत बीजारोपण 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हुआ था और 1942 के 7 अगस्त के दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी मुंबई के गोलवाले टैंक में बैठी थी और वहीं पर भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें कहा गया था कि करो या मरो, डू और डाई। और इसके खिलाफ साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत, अब देखते हैं कि रातों रात समूह को जेल में डाल दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि अखिल भारतीय पैमाने पर बिहार की जो भागीदारी थी राष्ट्रीय आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, अगस्त क्रांति में, वह विशिष्ट कैसे थी। तो पूरे भारतवर्ष में बिहार की जनता साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो प्रतिरोध किए, जिन तरीकों को अपनाया, वह बिहार की विशिष्टता को चिन्हित करता है। जैसे आप देखते हैं कि बिहार में 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के दौरान कुल 9 छात्र शहीद हुए थे। वैसे तो आंकड़ा 6 का और है, लेकिन वह इतिहास के पन्नों में अभी आना बाकी है। ये सभी छात्र मध्यम वर्ग के थे और ये शहरी क्षेत्र, इन पर शहरी क्षेत्र का एक्सपोजर था। वहीं से क्रांति की शुरुआत होती है और बिहार में अर्बन एरिया में मिडिल क्लास स्टूडेंट ने ही इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था और दूसरी ओर देहाती क्षेत्र में मध्यम वर्गीय किसान के लड़के जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, उन लोगों का नेतृत्व सामने आया। पुनः आप देखते हैं कि बिहार की विशिष्टता इस बात से परिलक्षित होती है कि ये बिहार में भी क्षेत्रीय विविधताएं थी, आंदोलन के कई रूप थे, विभिन्न स्वर थे, विभिन्न तरीके थे। और जिस तरह से बिहार में क्रांतिकारियों के ऊपर हवाई जहाज से गोली चलाया गया, चाहे वह मुंगेर हो, चाहे वह भागलपुर हो, चाहे वह किशनगंज हो, चाहे वह पूर्णिया हो, चाहे वह बिहटा हो, इन सभी जगह क्रांतिकारियों को नष्ट नाबूद करने के लिए हवाई जहाज से गोली चलाई गई थी, जो भारतवर्ष के किसी राज्य में नहीं हुआ था। दूसरा,
मध्यम वर्गीय किसान जो थे, जिनके लड़के थे, मध्यम वर्गीय जो छात्र जो शहरी क्षेत्र के थे, ये बात स्थापित करता है कि बिहार की विशिष्टता अन्य राज्यों से बिलग था। और अब देखते हैं कि इसमें क्षेत्रीय विविधताएं भी थी, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, इन सभी जगहों बिहार के सेठ साहूकारों के गोदामों को लूटा गया था। उनको भी साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत के कारिंदों के समानांतर रख रहा था। और वहां किरोसिन तेल, दिया सलाई, चीनी, मोटे कपड़े की लूट की गई थी। वे लोग जमाखोरी किए हुए थे तो उन पर हमला किया गया। और पुनः आप देखते हैं कि भागलपुर, मुंगेर, धमदाहा, सुपौल, रुपौली, इन सभी जगहों पर क्रांति की तीव्रता ज्यादा थी। पुनः कोसी का जो नेपाल से लेकर बंगाल के एरिया तक का जो दोनों क्षेत्र है, लगभग 50 किलोमीटर दाहिना और बायां, इन जगहों पर गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत हुई थी, जिसमें लगभग 13 दल थे। उसमें प्रमुख थे सियाराम दल, उसमें प्रमुख थे परशुराम दल, उसमें प्रमुख थे गुलाली सुनार, उसमें प्रमुख थे राम परीक्षण भगत। तो इन लोगों ने सरकारी खजानों को लूटना, सरकारी अधिकारियों की हत्या करना जो अंग्रेज थे, और फिर उस धन को गरीब में बांटना, शादी विवाह में देना, इस तरह के कार्यक्रम चलाए गए थे। सरकारी हथियार को लूटने के क्रम में बहुत सारी घटनाएं भी हुई थी जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति के आधार पर था, और जिसका केंद्र नेपाल के हनुमानगढ़ी में था। और वहां पर जयप्रकाश जी, राम वृक्ष बेनी पूरी, गुलाली सुनार, पंडित रामनंदन मिश्र आदि कमान संभाले हुए थे। यह बात दीगर है कि कोसी का जो दोनों क्षेत्र है, वहां पर गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत को चने चबा दिया गया था। पुनः आप देखते हैं बिहार की विशिष्टता इस बात से प्रमाणित होती है कि बिहार में लगभग 43 क्षेत्रों में जनता की सरकार स्थापित हुई थी, जिसे जन सरकार भी कहा गया, समानांतर सरकार भी कहा गया, पीपुल्स गवर्नमेंट भी कहा गया, जनता राज भी कहा गया। और आपको जानकर यह हैरत होगा कि लगभग 50 दिनों की ये सरकार रही, जिनके अपने कचहरी, अपने कोर्ट, अपने थाने, अपने पंचायत सभी थे। और इस 50 दिनों के बीच में कहीं कोई घटना नहीं, आपराधिक घटना। इससे साबित होता है कि अंग्रेज जो कहते थे कि भारत के लोग, बिहार के लोग शासन करने की कला नहीं जानते हैं, उसको इसने बता दिया कि हम स्वशासन करने में प्रवीण प्राचीन काल से ही रहे। अब फिर इस बात की विशेषता आप देखते हैं कि मुजफ्फरपुर से लेकर बेतिया तक, पारू से लेकर गोपालगंज तक, सिवान तक, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, इस सभी जगह गोली चालन की घटना हुई थी और बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। क्रांति के दौरान बिहार में आप देखते हैं कि कुल थाना बिहार में 395 था उन दिनों, और लगभग 280 थानों को लूटा गया था। हताहतों की संख्या 5000 से ऊपर थी और फांसी की सजा 562 थी। घायलों की संख्या 15763 था और हवाई फायरिंग लगभग 9 जगह बिहार में हुए थे, राष्ट्रवादियों को दबाने के लिए, क्रांतिकारियों को दबाने के लिए। आप देखते हैं कि स्वराजी गाड़ी का भी चलन हुआ था,
बहुत जगह, मुंगेर में, मधुबनी में, सिंधिया में, बहुत जगह, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में स्वराजी गाड़ी चला था और कुल 5,339 लोगों को सजा दी गई थी और लगभग 274 व्यक्ति को नजरबंद किया गया था। बलात्कार की घटना तो सबसे ज्यादा बिहार में ही हुई थी, जो गोरे साहबों ने गांव के गरीब गुरुओं के अस्मत को लूटा था। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, बेलसन में बसंतपुर पुल है, उसी के बगल में हरजन टोली है, जिसमें गोरों ने घुसकर महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था। मधुबनी में किया गया था, मुंगेर में किया गया था, समस्तीपुर के सरकारी अस्पताल में घुसकर बलात्कार की कारनामे किए गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार की विशिष्टता अखिल भारतीय पैमाने पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा है। और आप पुनः इस क्रांति में आप छात्रों की जो भूमिका देखते हैं, वह कहीं न कहीं हम उतावलेपन तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्मुख राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो उन्मुखी कार्यक्रम चले विभिन्न आंदोलनों के द्वारा, उसी का यह परिपक्व रूप था और सभी व्यक्ति अंग्रेज भारत छोड़ो चला रहे थे। आप कटरा में, पटसारा में, गांगिया में, जाता काटा में, इन सभी जगहों पर देसी हथियार बनाए जाते थे और पटसारा में तो अंडरग्राउंड कारखाना ही था हथियार बनाने का, जिसका सीधा संपर्क नेपाल के हनुमानगढ़ी से था। और सर्वप्रथम बिहार में, उत्तर बिहार के कटरा क्षेत्र में जनता की सरकार स्थापित हुई थी और वहीं से कारमा चला था, जो बिहार के अन्य भागों में भी जनता की सरकार स्थापित हुई थी। यहां सोचने के लिए थोड़ा सा है कि 42 के क्रांति में छात्र की भूमिका अग्रणी थी। क्या कारण है कि 1974 के संपूर्ण क्रांति में बिहार में जयप्रकाश का जो आह्वान था करप्शन के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, वह दिशाहीन हो गया? क्या कारण था? 42 के आंदोलन में हम दिशाहीन नहीं कह सकते हैं छात्रों के लिए, लेकिन संपूर्ण क्रांति में दिशाहीनता को प्राप्त किया। इसलिए आप देखते हैं कि कोई नतीजा सामने नहीं आया, नतीजा बल्कि ये आया कि उस क्रांति की उपज, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं आज बिहार के सरकार या पूर्व के सरकार में जो लोग हैं, वे क्या अपनी वानगी दे रहे हैं उस क्रांति का, क्या कारण है द मिसिंग लाइन बिटवीन 1942 रिवेलियन टू टोटल रिवोल्यूशन 1974 एज अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि 42 के छात्र और 74 के छात्र के बीच एक गैप था, तीन गैप था। पहला कि उन दिनों उनके आदर्श राष्ट्र थे, राष्ट्रीयता थे, राष्ट्रवाद थे, देश की आजादी थी और मन मिटने के लिए वे तत्पर थे। लेकिन 74 के आंदोलन में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वैसे छात्र आगे आ गए जो उतावलेपन के शिकार थे, जिनका कोई आदर्श नहीं था, व्यक्ति विशेष का विरोध था, इंदिरा गांधी का, श्रीमती गांधी का। ठीक है, श्रीमती गांधी उन दिनों सरकार की मुखिया थीं, लेकिन
टोटल रिवॉल्यूशन का जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, उसका अगर सर्जिकल एनालिसिस करते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, तो आप पाते हैं कि उसमें न तो अपील था, न समर्पण था, न सहकार था, न सरोकार था। इसलिए यह आंदोलन क्रांति होते हुए भी अपना कुछ आउटपुट नहीं दे पाया, बल्कि युवकों की आकांक्षा को तो जगा दिया, लेकिन उसको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने में असफल रहा। तो आज के संदर्भ में 1942 की क्रांति में जो छात्र थे, उनकी भूमिका को देखते हुए आज के नौजवानों को यह सोचना होगा कि क्या प्रतिरोध, प्रतिकार, क्रांति, आंदोलन, विस्फोट किसी परिधि में है, होना चाहिए या परिधिहीन होना चाहिए, क्या उसके कुछ आदर्श होना चाहिए, क्या उसके कुछ कार्यक्रम होना चाहिए, क्या उसके प्रति समर्पण होना चाहिए, क्या उसके प्रति सरोकार पैदा करना होना चाहिए, लीडरशिप जनरेट करना, लीडरशिप और सपोर्ट क्रिएट करना, इसका सर्वथा अभाव है आज के छात्रों में और राजनीति सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों का बिहार में। अपने आचरण, अपनी शुचिता, अपनी प्रतिबद्धता से वे पूर्णतः विलग हैं, जिसका नतीजा है कि बिहार की आबादी की आकांक्षा तो बहुत हो गई है और बात बात में कुछ से कुछ, कुछ से कुछ आंदोलन शुरू हो जाता है। इसका दो प्रमुख कारण है। एक तो बिहार के गांवों में, पंचायतों में नव धनाढ्य वर्ग की उत्पत्ति हुई है, जो रातों रात या तो मुखियापति हैं या मुखिया हैं, वे अरबपति हो रहे हैं और अपने गाड़ी के आगे लिखते हैं मुखिया, मुखिया प्रमुख, पंचायत सेवक। मनुष्य वे नहीं, जिनको देखकर अगल बगल के लोग के मन में उमड़ता घुमरता है कि मैं भी क्यों नहीं। और यही वजह है कि आज मुखिया का, पंचायत सेवक का, पंचायत सदस्य का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें मार काट की घटनाएं तेज हो गई है। पूरा का पूरा पंचायती राज, हम कह सकते हैं आंकड़ों के आधार पर, कि भ्रष्टाचार के सुरंग में घुस गया है, क्योंकि